हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब बहुत ही मजे में होंगे क्योंकि एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। जी हाँ, दिसंबर खत्म होने को है, लेकिन इस एग्जाम के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए जो बच्चे बल्ले बल्ले वाले माहौल में जी रहे हैं, तो उनसे कहूँगा कि प्लीज संभल जाओ क्योंकि जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, आज भाग 47 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और इसमें मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इस बुक में जो सेट दिए गए हैं इस बुक के अंत में, वो सभी मैं कवर करूंगा। देखिए, कुछ सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पास में आए थे कि सर कुछ पेजेस इसमें स्किप हैं, तो 2016 के बाद के अगर जो भी लग रहे हैं कि पेजेस इसमें स्किप हुए थे, देखिए मेरे पास जो बुक है उसको मैंने सीरियल नंबर पेज नंबर के हिसाब से मैंने आपको वीडियो दिया। लेकिन कुछ बच्चों का कहना ये था कि एक दो पेजेस मिस हैं, तो आप एक काम करिए, उसको स्कैन करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। एक PDF बना करके मैं उसका वीडियो भी तैयार कर दूंगा। अब देखिए, बात करता हूँ जिसने कंप्लीट ये बुक को ईमानदारी से ख़त्म करा, पिछले सभी वीडियो वॉच करें, तो उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसके बाद में एक बार इस वाली बुक को या तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए। पहले तो वो बुक ख़त्म करनी है 46 वीडियो, उसके बाद इस बुक को या तो अपने आप अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आप इसको पढ़ें एक बार, ठीक है? यह रेलवे सामान्य विज्ञान बुक, क्योंकि सामान्य विज्ञान से बहुत क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं रेलवे एग्जाम में, तो इस सेक्शन को आप अलग से कवर कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम अच्छा है। एग्जाम कब होगा कुछ नहीं पता, बट टाइम अच्छा है, लेकिन अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप Volume 1, सेकेंड स्टेप ये वाली बुक, थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप आपका क्या होगा, ये होगा आपका रिवाइज योर सेल्फ Volume 2, रेलवे सामान्य अध्ययन। तो इसमें क्या है, इसमें 920 सेट दे रखे हैं लोगों ने इस बुक में, स्पीडी पब्लिकेशन ने 920 सेट की ये बुक तैयार कर रखी है, और एक सेट में कम से कम आपके 40 से अधिक MCQ क्वेश्चन हैं। तो एक बार इस बुक को या तो मार्केट से परचेस करके खुद इसके सेट को सॉल्व करें, अदरवाइज इस बुक के भी वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप देखते हुए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सेट नंबर 1, सेट नंबर 1 में देखिए, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा, तो ये है आपका दूसरा। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है माई स्टोरी, ये जो आत्मकथा है वो किसकी है, ये आपका मार्टिना नवराती लोबा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को, और वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये है आपका वॉशिंगटन में। उसके बाद हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। अगर आपने देखी होगी मूवी भगत सिंह, तो वहां पे आपने ये सीन देखा होगा पक्का, कि दो व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, तो इनका नाम आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। सेट नंबर 2 में केवल इम्पोर्टेंट है आपका तिस्ता की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र, और मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है, विलियम वर्ड्स वर्थ। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है, तो यह है आपका वीणा। आगे बात करते हैं योर्स फॉर लाइफ, ये जो है नारा किसका है, ये टैगलाइन किसकी है, तो यह है आपकी गोदरेज कंपनी की। सह्याद्री पर्वत कहाँ पर है, तो यह है आपका महाराष्ट्र में, और ताइवान का पुराना नाम क्या है, तो यह है आपका फार्मोसा। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे सेट 3 में। देखिए, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं कि मैं कुछ चीजें स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक एक चीज पढ़नी है, तो वीडियो को पॉज करके आप ढेर सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि पढ़ाई कभी भी हो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती है, पढ़ाई होती है हमेशा क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो आप देख लीजिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हैं, वरना अगर आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी है तो मार्केट से बुक को परचेज कर लीजिए। भाई क्यों नेट का डाटा खर्च कर रहे हो अपना?
तो ऐसे बच्चों को बस केवल मैं यही बोलूंगा कि मार्केट से बुक को परचेज कर लो, एक एक लाइन को पढ़ लो, अगर आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है तो। सेट नंबर 3, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सबसे पहले अकबर ने किया था, और विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। हिरोशिमा नागासाकी दो जगह बम गिरे थे, कब गिरे थे? 6 अगस्त 1945। और सेकंड डेट क्या थी नागासाकी की, वो मुझे आप करेंगे कमेंट्स में इसका आंसर, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं ये बातें आपको बहुत बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे। गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होता है, और परम शून्य -273 डिग्री सेंटीग्रेड से संबंधित है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले 1969 में विभाजित हुआ था। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, और बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। हाथी गुफा कहाँ पर है? तो ये है आपके उड़ीसा राज्य में, और लाइमस्टोन का कायंत्रित रूप है आपका संगमरमर। सेट नंबर 5, फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी, और हैजा जिसको बोलते हैं कालरा, जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। ब्रोमीन धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है, और सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। भारत में प्रथम मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, और लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सेट नंबर 6, ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। तो कैरिबियन सागर में क्या स्थित है? तो यह आपका ग्रेनाडा। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ था। खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है, और पिनाक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। तो फ्रेंड, वीडियो की लेंथ बहुत छोटी थी, और जितना ही वीडियो छोटा होता है उतना ही आप लोग आसानी से उसे वॉच कर पाते हैं। लंबे लंबे वीडियो देख करके आप लोग बोर हो जाते हैं, मुझे पता है। पिछले वीडियो जो भी हैं वो सभी के सभी आधे घंटे के, 35 मिनट के, 40 मिनट के बने थे, जिसपे व्यू भी कम थे और सब्सक्राइबर भी कम थे, लाइक भी कम थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो की लेंथ को मैंने मेंटेन करा, और इसमें 6 सेट हमने देखे, केवल वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, स्पेशल फॉर रेलवे, और ये जीके आपके एसएससी एग्जाम में भी काम आएगी, आपके दिल्ली पुलिस में भी काम आएगी। तो दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट, एसएससी के स्टूडेंट भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर उन्होंने वॉच करा तो उन्होंने कोई घाटे का सौदा नहीं करा। तो फ्रेंड, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और हो सके तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, उन सभी बुक की। थैंक्स।